चलो उतार ही देता हूँ मार को। फिर ये रोड बन रही है। ओहो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर एडे 33। होप एवरीवन इज फिट फाइन हेल्दी एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। सो हम रुके थे यार हानले में और चारों ने एक ही रूम लिया था क्योंकि रूम की बहुत कमी थी। ऑलमोस्ट जो है सारे रूम्स जो है फुल थे और सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7:30। कल हमने उमलिंगला कर लिया, कोई 5:30 घंटे में उमलिंगला कर लिया था, बट बाय रोड वाले रूट पे गए थे हम, हमने ऑफ रोडिंग नहीं करी थी। अभी बस नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, बाइक पे सारा सामान लोड कर दिया और फिर निकलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है पुका वैली और सोमोरेरी। ये खाना इतना बढ़िया है ना यहाँ पे, बहुत ही अच्छा खाना है और जिसको भी रुकना हो ना यहाँ रुक सकते हो। इसका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। चाय, कॉफ़ी, पराठा, पोहा और डिनर भी इतना बढ़िया था, रात में मज़ा आ गया खाना खा के। यहाँ से हम निकल रहे हैं पुगा वैली और हमें पता नहीं कितना किलोमीटर है पुगा वैली क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। नेटवर्क आएगा न्योमा से कोई 20 किलोमीटर पहले। अच्छा था स्टे, ये हॉलीडे इन करके है हानले में। खाना तो बहुत ही बढ़िया था, डिनर में कितनी चीज़ें थी, अंडा करी था, दाल था, मिक्स वेज था, राइस, पापड़, रोटी, सैलेड, इतनी सब चीज़ें कोई नहीं देता यार होम स्टे में। बहुत अच्छा लगा, स्टे का तो मज़ा आ गया। और हमने पता कितने दिए हैं, पर पर्सन 800 रुपीज़ ओनली, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड। आज हमारी राइड का 8th डे। वो देखो बाइकों का काफिला खड़ा है, बहुत बाइकर्स आते हैं यहाँ पे, बहुत एक्सपीडिशंस ट्रैवल वाले अरेंज करते हैं उमलिंगला और हानले के लिए। ये देखो कितने ही बाइकर्स हैं, पूरा लाइन फॉर्मेशन करके चलेंगे। ये कैप्टन है इनका और ये दो व्हीकल है। सुबह सुबह का नज़ारा लगता है प्यारा प्यारा। अब सीधा रुकेंगे न्योमा पेट्रोल पंप पे, वहाँ कराना है रिफिल और वहाँ से फिर निकलना है पुगा वैली। अपने जो राइड के कंप्लीट हो गए हैं हमारे 1950 किलोमीटर, बाइक की एवरेज आ रही है 34.5। हल्ले जाते होगा सबसे बेस्ट एरिया ये लगता है यार, बीच में से रोड जा रही है, दोनों तरफ इतना बड़ा डेजर्ट है, सैंड ही सैंड और बीच में ये रोड, क्या अमेजिंग लगता है यार। ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। ग्रुप में राइड करना यार मैं आगे से प्रेफर नहीं करूंगा यार, ये राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा मेरा। ये नहीं कि जगह अच्छी नहीं थी या, बट भागम भाग थी, अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है ग्रुप में, तो यार अपनी तो बस हो गई है। और वैसे भी जो लोग ना टाइम के शॉर्ट हो उनके साथ कभी मत करो यार, अब भाग ही रहे हैं यार, सिर्फ भाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। इनकी हिम्मत है, देखो 3 लोग जो हैं साइकिल से आ रहे हैं। वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। अरे कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं भाई। गुड गुड, कीप इट अप गाइस, हर हर महादेव। वाओ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ दिस राइड यार। इस राइड में तो सब कुछ ही ब्यूटीफुल था बट ये व्यू अमेजिंग है। न्योमा रह गया 19 किलोमीटर, तो यानी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। टाइम 10:15 हो गए हैं, तो आप लगा लो कि 10:35-40 पे पहुंच जाएंगे वहां पे। ज़्यादा भीड़ नहीं है, 2-3 बाइक्स हैं और बाकी सारी अपनी बाइक्स हैं। यहीं से हमने जाते हुए भरवाया था, यहीं से अब वापसी में आते हुए भरवा रहे हैं। कुछ सामने ही है ये पंजाब ढाबा जम्मू, खाना अच्छा है, खाना तो हमने नहीं खाया, चाय भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे आप चाय पी सकते हो। अब हम निकल रहे हैं
पुगा हॉट स्प्रिंग्स के लिए जो है यहाँ से कोई 41 किलोमीटर और दिखा रहा है 55 मिनट्स। एवरेज अपनी बढ़िया आ रही है, 35.4 की एवरेज आ रही है और यहाँ से न्योमा पेट्रोल पंप से लेके उमलिंगना तक और वापस बैक 1030 का पेट्रोल भरा है हमारे पास, 30 की एवरेज आई है। खड़े हो जाओ तो गर्मी लगती है, बाइक पर चलो तो ठंड लगती है। टाइम 11 बज गए हैं तो 12 बजे हम पहुंच जाएंगे पुगा। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना भाई, एक बहुत तेज़, आपको सुनाई भी दे रही होगी यार। इसमें लगभग 3 किलोमीटर रह गया माहे, वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। काफ़ी सारे बाइकर्स भी जा रहे हैं उधर, एंट्री करना। बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं पुगा 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 होगा यहाँ से 15-16 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ से दिखा रहा था 41 और 23 किलोमीटर हम आगे हैं तो 18 किलोमीटर होगा मुश्किल से। ये रूट भी कभी नहीं किया, चलो आज ये रूट भी हो जाएगा। अभी ले लद्दाख हमने पूरा कवर कर लिया है, एवरीथिंग एक्सेप्ट टुलटुक। वेट हो रखा ना, ये सारा सल्फर और नमक है। और वो जंक्शन से सिर्फ जो है पुगा दैट इज 7 किलोमीटर, आई थिंक हॉट स्प्रिंग जो है दैट इज अराउंड 10 किलोमीटर्स। ब्यूटीफुल, वो देखो पूरे सल्फर स्प्रिंग्स हैं। तो यार हम पहुंच गए हैं पुगा वैली। तो ये है यार कुछ नज़ारा पुगा वैली का। वैसे अभी ड्रोन उड़ाया, अब दिखाता हूँ आपको, बट नज़ारा देखो क्या जबरदस्त है। मेरे पीछे पूरा वाइट कलर का सल्फर और सॉल्ट यहाँ फैला हुआ है नदी के अंदर। तो पुगा वैली में कुछ देर ड्रोन उड़ाने के बाद मैंने थोड़ा आगे आकर एक जगह रुककर उनका वेट करने लगा। वहाँ मैं चाय पी ही रहा था कि मैंने देखा ये तीनों आए, ब्रेक लगाई, बाइक देखी और आगे निकल गए, जैसे कि उन्होंने मेरी बाइक देखी ही नहीं। तो वहाँ बैठे बैठे ही मैंने भी मन बना लिया कि अब आगे का रास्ता अकेले ही करना है। मैंने कुछ देर वहाँ रेस्ट किया और फिर निकल पड़ा अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की ओर, जो है सोमुरीरी। तो ड्रोन उड़ाने के बाद यार हम निकल गए हैं अभी सोमुरीरी की तरफ। असल में जो पुगा वैली है वो डेबरिंग वाले रास्ते में आती है, जो आपको सीधा मनाली पहुंचाता है रास्ता, और ये सोमुरीरी जाके वापस आना पड़ेगा।
अभी हम चल रहे हैं अकेले, वो निकल गए हैं आगे तीनों, तो इसलिए मैं सोलो ही करूँगा यार। जहाँ मेरा मन करेगा रुकूँगा, जब मेरा मन करेगा चलूँगा। अब थोड़ा सा ऑफ रोड शुरू हो गया, ऑफ रोड नहीं कहेंगे इसको, ग्रेवल वाला बीटन रोड है। लो जी आ गया फिर रोड दोबारा से, ऐसे बीच बीच में पैचिस आते रहेंगे थोड़े थोड़े। वो देखो लेक का नज़ारा, क्या ये सोमरीरी है या कोई और लेक है, आई डोंट नो द नेम, बट व्यू इज अमेजिंग। कितनी सुंदर लग रही है यार ये लेक। ओहो, जितना नज़दीक आ रहे हैं उतनी खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। ये सोमरीरी नहीं है, सोमरीरी और आगे है। तो अभी ऑफ रोड खत्म हो गया, रोड चालू हो गया दोबारा, बट ये भी बहुत सुंदर है, तो सोमरीरी कितनी सुंदर होगी। रोड बन रही है भाई यहाँ, और अगले साल तक ये रोड पूरी बनी होगी, खूब दबा के काम चल रहा है यहाँ पे। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बड़ी लेक है सुना मैंने, ये कोई 10 किलोमीटर की रहेगी गंदी ऑफ रोड। अभी तो बहुत दूर है यार, लेक दिख रही थी वो पास में, लेकिन दूर है अभी भी। क्या आपको पता है सोमरी लेक की लंबाई कितनी है? आप बिलीव नहीं करोगे भाई साहब, इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 किलोमीटर। इस एरिया को कोरजॉक नाम से जानते हैं और ये कोई 14,836 फीट अबव सी लेवल है। भाई कितनी ब्यूटीफुल है यार, कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ी लेक है यार ये। वाओ, यहाँ से शुरू हो रही है और पता नहीं कितनी आगे तक जाएगी। ओहो हो हो, आगे तो व्यू और जबरदस्त हो चुका है, माय गॉड। जितना भी सिविल एरिया है वो लेक के इस साइड है, मगर एक और रोड लेक के उस तरफ भी देखी जाती है, बट वो सारा आर्मी एरिया है। हम सुबह हानले से करीब 9:15 बजे निकले थे और पुगा होते हुए सोमरीरी हम लगभग 2:15 बजे पहुंच गए, हमें लगे अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे। वैसे अगर आप हानले से डायरेक्ट सोमरीरी आओगे तो आपको 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ कोरजॉक में स्टेज के बहुत ऑप्शन हैं, ज़्यादातर ऑप्शन एक्सपेंसिव हैं जो 2,500 से शुरू होकर 6,000-7,000 तक जाते हैं, मगर हर बार की तरह अपने को एक बढ़िया सा होम स्टे मिल गया, और वो भी सिर्फ 1,500 रुपये में, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। हाँ रूम चाहिए।